Hi friends, कैसे हैं आप? Welcome to Drone Tech Doctor once again. Hope everything is fine. तो this is my tagline. आपको पता लगी हुई काफ़ी वीडियो मेरी आदत है बोलने की, तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स को पसंद भी है. सो बीच में ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोज़ आ रहे हैं, यू नो, बिकॉज रीज़न ये है कि कुछ कुछ मेरे आउट ऑफ स्टेशन के ट्रिप्स लग रहे हैं ज़रूरी काम की वजह से, तो इसलिए थोड़ा हो जाता है. बट आई ट्राई टू अपलोड डेली, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो प्लीज़ सॉल्व फॉर दैट. और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर आई हैव ऑलरेडी टच्ड 4,004K से अबव हो चुका हूँ इन सब्सक्राइबर काउंट. सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब. तो जैसे आज आपने टाइटल पढ़ लिया, तो आज का वीडियो का टाइटल है बेस्ट ऑलराउंडर DJI ड्रोन कौन सा है. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि बेस्ट ऑलराउंडर DJI ड्रोन में आपको क्या चीज़ें चाहिए. ऑलराउंडर ड्रोन में सबसे ज़्यादा खास बातें क्या होती हैं वो मैं सबसे पहले बताऊँगा, और वो सभी बातें हैं हमारे Mavic Air में, इसलिए मैं उसको कहता हूँ बेस्ट ऑलराउंडर DJI ड्रोन इवन इन 2019. तो इंडियन परस्पेक्टिव के हिसाब से बताऊंगा, तो इंडियन परस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले दाम, यस पैसा, सबसे टिकाऊ प्राइस किस ड्रोन का है, वो जो ड्रोन सबसे ज़्यादा टिकाऊ रेट पे सबसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करेगा वो इंडियंस के लिए ऑलराउंडर होगा, और यही चीज़ DJI Mavic Air आपको प्रोवाइड करवाता है. अगर आप मार्केट में हैं और आपको ज़्यादा से मैक्सिमम फीचर्स 4K ये वो सब कुछ चाहिए, एंड आपका प्राइस टैग लिमिटेड है, ऑलमोस्ट मिडिल की रेंज में अराउंड 70-75 के बीच में आपका रेंज है, और आप चाह रहे हैं कि आपको सब कुछ मैक्सिमम मिले, तो ये ड्रोन आपको प्रोवाइड करवाता है. तो क्या क्या है वो फीचर्स, तो दाम में ये नंबर वन है, क्योंकि इस प्राइस टैग में जो ये फीचर्स प्रोवाइड करवाता है कोई ड्रोन, किसी भी कंपनी का ड्रोन नहीं करवा पाता. इवन DJI के जो अपने ड्रोन्स हैं वो भी इस प्राइस टैग में जो फीचर्स ये प्रोवाइड करवाया जाता है तो उस प्राइस टैग में नहीं प्रोवाइड करवाते. तो इसलिए फ्रॉम प्राइस परस्पेक्टिव इट इज़ ऑलराउंडर नंबर वन. सेकेंड आता है 4K वीडियो. 4K वीडियो में आप जब जाते हैं तो आपको चाहते हैं 4K इज अल्टीमेट रेजोल्यूशन, जो आपको क्रिस्टल क्लियर आपको वीडियो फुटेज प्रोवाइड करवाता है. तो 4K के रेंज में जाएंगे तो काफ़ी ऑप्शन आती हैं DJI में, काफ़ी महंगे से महंगा लाखों. Mavic 2 Pro आपको पता है, Mavic Pro पुराने वाला पता है, लेकिन Mavic Air जो है आपको 4K फुटेज प्रोवाइड करवाता है विद ऑप्शन ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड 60, 120. ऑफ कोर्स 120 सिर्फ फुल HD पे है, बट स्टिल इट ऑफर्स यू फ्रेम्स में मतलब चेंजिंग के ऑप्शन विद 4K. तो और इस प्राइस टैग में तो और कोई नहीं प्रोवाइड करवा पाता DJI का ड्रोन. तो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न, इट प्रोवाइड्स यू विद 4K फुटेज विद मल्टीपल कैमरा मोड्स, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑलराउंडर. अब आप कहेंगे स्पार्क से, अगर स्पार्क आपको 4K प्रोवाइड नहीं करवाता इसलिए वो सस्ता है. और अगर आप ज़्यादा महंगा देखें Mavic 2 Pro और Mavic Pro, उसमें जाएंगे तो आपका काफ़ी जेब में छलनी हो जाएगी जेब. तो आपको जो भी छलनी नहीं करनी और 4K फुटेज भी चाहिए, वो भी बढ़िया वाली 100 Mbps के फुट बिट स्कोर वाली जो ये फुटेज प्रोवाइड करवाता था, मैं भी केयर आपको करवाता है. तो दिस इज द सेकंड मेन रीज़न, अल्टीमेट 4K फुटेज बाय DJI ड्रोन इन दिस प्राइस टैग, दैट्स व्हाई DJI Mavic Air इज ऑलराउंडर. ये दूसरा पॉइंट था. अब नंबर 3 पॉइंट, आपको गिम्बल स्टेबलाइज्ड फुटेज चाहिए. स्टेबलाइज्ड फुटेज DJI के ड्रोन में स्पार्क से शुरू होती है, लेकिन स्पार्क आपको 2x स्टेबलाइजेशन देता है. आप काफ़ी लोगों को 2x और 3x में फ़र्क शायद ना पता हो, अगर आपको पता तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ. 2x गिम्बल जो है काफ़ी अच्छी आपको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवाती है, यानी वो जब आपका ड्रोन इधर या उधर हिलता है, 2x पे हिलता है, तो वो उसको स्टेबलाइज रखती है. 3rd एक्सिस होता था उसका बीच वाला, तो 3rd एक्सिस पे इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको वो ड्रोन प्रोवाइड करवाए उसी अच्छे प्राइस रेंज में, तो आपका क्या बिगड़ता है, आपको अच्छी ही फुटेज मिलेगी. तो यही रीज़न है ये 3x आपको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवाता है एट दिस पॉइंट प्राइस पॉइंट, जो कि स्पार्क आपको नहीं करवाता, जिससे आपकी फुटेज अच्छी और मोर प्रोफेशनल लगती है. 4th पॉइंट आता है सबसे क्रूशल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है बैटरी बैकअप. बैटरी बैकअप इसका मिडिल में रेंज में आता है, अराउंड 21 मिनट्स का एक क्लेम करते हैं, तो 17-18 मिनट का अगर आप एक अच्छे ड्रोन पायलट हैं तो 17-18 मिनट का आप इसको आराम से निकाल लेंगे वार्निंग आने से पहले फुटेज इसकी. तो ये बहुत अच्छा फ्लाइट टाइम है मिडिल की रेंज में कैजुअल और हमारे जैसे यूट्यूबर्स के लिए. अगर इससे आप ज़्यादा चाहिए आपको तो बैटरी एक और ले लीजिए, इसमें कोई नहीं है, लेकिन आप ड्रोन में जंप करें ये Mavic 2 Pro पे जाएंगे तो वो लाख रुपये क्रॉस करता है, तो
प्राइस में बड़ा डिफरेंस आ जाता है. तो इस प्राइस टैग में इतना अच्छा बैटरी बैकअप मैविक एयर ही प्रोवाइड करवाता है, दैट्स व्हाई इट्स अगेन ऑल राउंड नंबर वन ड्यू टू बैटरी ऑल्सो. तो ये चार पांच फीचर्स जो कि बहुत क्रूशल हैं, बाकी ऑटोमेटिक शॉर्ट्स ये सब सेकेंडरी आते हैं, सेंसर्स भी इसमें है वो सब सेकेंडरी है. ये चार मेन फीचर्स एवरीबडी वॉन्ट्स इन इज ड्रोन, और ये चारों पांचों फीचर जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं ये मैविक एयर ही प्रोवाइड करवाता है और बहुत अच्छे प्राइस पे. तो अगर आप मार्केट में हैं, सोच रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन ड्रोन लेने के लिए DJI का, इवन कोई भी ड्रोन आप लेना, DJI इज द बेस्ट वैसे मैं बोलता हूँ, फिर भी DJI में अगर आप कन्फ्यूज हैं और आपका जो बजट है 70 to 75,000 है, देन यू गो फॉर मैविक एयर आँख बंद करके, क्योंकि इससे बढ़िया आपको फुटेज इस प्राइस टैग में कोई ड्रोन नहीं देगा. तो यही था इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव कि ये व्हाई इट इज़ ऑलराउंडर इन 2019. अभी भी इसकी सेल्स अगर आप देखेंगे, आप जा सकते हैं गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सबसे बेस्ट सेलिंग ड्रोन 4K ड्रोन जो DJI का है वो मैविक एयर है बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स एंड प्राइस टैग. तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कीप सब्सक्राइबिंग. जय माता.